हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको एट्रीब्यूट कमांड के बारे में बताने वाला हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ब्लॉक एडिटर और ब्लॉक सिंपल ब्लॉक और राइट ब्लॉक के बारे में बताया था। आज हम एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे, जो ब्लॉक से भी रिलेटेड कमांड है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइन टू फ्यूचर। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ऑटोकैड की शीट ओपन कर रखी है और यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट कमांड बताने वाला हूँ। एट्रीब्यूट कमांड होता है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। एट्रीब्यूट का यूज़ वहाँ करते हैं जैसे आपने अपनी कंपनी के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, और उस कंपनी का प्रोडक्ट जो है आपको अलग अलग दूसरे वेंडरों को शेयर करना है, मतलब सेल करना है दूसरी दूसरी कंपनियों को वही सेम प्रोडक्ट। तो उसी प्रोडक्ट का नेम, प्रॉपर्टी, ठीक है, और उसका जो और भी एनोटेशंस, फॉन्ट वगैरह है, वो सब आपको एक कंपनी का अलग है जिसको आप सेल कर रहे हो और दूसरी कंपनी का अलग है। तो अलग अलग प्रॉपर्टी और नाम के साथ उसी प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो। मतलब एक कंपनी जो है गणेश इंटरप्राइज है, उसको मुझे बेचना है, तो उसी प्रोडक्ट पे गणेश इंटरप्राइजेस का नाम और उसके कंपनी की प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्ले करके मैं उसको बेचूंगा। दूसरा है कृष्णा इंटरप्राइज, कोई दूसरी कंपनी है, उसको मुझे सेल करना है, तो कृष्णा इंटरप्राइज का नाम और उसकी कंपनी के लोगो या फिर कंपनी का जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी डिस्प्ले कराना चाहता है उस प्रोडक्ट के लिए, तो उसको डिस्प्ले करके मैं बेचूंगा। तो ऐसे ही कई तरीके की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके हम उस पर डिस्प्ले करा सकते हैं और उस प्रोडक्ट को मल्टीपल प्रॉपर्टी के साथ सेव कर देंगे। किस तरीके से सेव करेंगे, एज अ ब्लॉक फॉर्मेट में हम सेव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं ऐसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं एक ड्राइंग बना लेता हूँ। सपोज करो मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। अब इस बॉक्स को एज एट्रीब्यूट के फॉर्मेट में अप्लाई करूंगा। AtT enter, AtT enter किया मैंने और यहाँ पे एट्रीब्यूट का कमांड डालूंगा, डाल दिया मैंने, तो एट्रीब्यूट का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, टैग फ्रॉम डिफॉल्ट, टैग मतलब उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, फ्रॉम मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफॉल्ट मतलब प्रॉपर्टी टाइप, टैग एंड दिया बॉक्स, उसके बाद से प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में दे दिया प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी के दे दिया हमने मटेरियल, ठीक है, और डिफॉल्ट में दे दिया हमने मटेरियल टाइप। सपोज मटेरियल टाइप दे दिया हमने वुड, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ जाएगा उसका फॉन्ट क्या होना चाहिए, फॉन्ट साइज दे देंगे हम, ठीक है। फॉन्ट का स्टाइल वगैरह चेंज करना है आपको, ये पोजीशन चेंज करना है तो वो सब आप चेंज कर सकते हो। इसको हमने ओके किया और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। फिर से मैंने एंटर किया एट्रीब्यूट, फिर से मुझे टैग लगाना है। मैं अब टैग में दे दूंगा कंपनी का नाम, कंपनी का नाम कंपनी लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट किस टाइप की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कौन सी कंपनी है, गणेश, ईपीआर इंटरप्राइज दे दिया हमने, ठीक है। इसको ओके किया और यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। और भी कोई प्रॉपर्टी देनी है तो आप फिर से एट्रीब्यूट लाके यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो इसके साथ। अब इसको मैं ब्लॉक फॉर्मेट में सेव करूँगा, ठीक है। ब्लॉक फॉर्मेट में कैसे सेव करूँगा, बी एंटर किया हमने, इसका नाम दे दिया कंपनी का, प्रोडक्ट का नाम कुछ भी, और यहाँ पे पिक पॉइंट ये लिया हमने, पिक पॉइंट, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हमने, ठीक है, एंटर। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैन्युफैक्चरर कंपनी है तो कौन सी कंपनी है, गणेश इंटरप्राइज, ठीक है। मटेरियल क्या है इसका, वुड, ओके किया हमने, ये देखो आपका वुड का ये मटेरियल है, गणेश इंटरप्राइज कंपनी की तरफ से है, ठीक है। फिर से मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, आई एंटर किया मैंने इसको इंसर्ट, फिर से ओके किया, यहाँ पे डिस्प्ले की। जैसे ही मैं फिर से क्लिक करूंगा तो फिर से ये एट्रीब्यूट का ऑप्शन आ जाएगा, मैंने दे दिया हमने कृष्णा, कृष्णा
इंटरप्राइज, ठीक है, कितने किसने इंटरप्राइज दे दिया हमने। अब वो इसी प्रोडक्ट को आयरन में बनाता है, आयरन में बनाता है, आयरन लिया हमने, ओके किया हमने, ठीक है, तो ये वही प्रोडक्ट रहेगा, नाम अलग अलग डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, और उसके जो टैग हैं वो अलग अलग डिस्प्ले हो जाएंगे, आप जितने चाहो उतने इंसर्ट करके आप लगा सकते हो। तो ये था हमारा एट्रीब्यूट। अगर आपको एट्रीब्यूट पर एडिटिंग करनी है तो इस पर डबल क्लिक करो आप, ठीक है, फिर से एट्रीब्यूट एडिट एट्रीब्यूट ऑप्शन आ जाएगा, क्या एडिटिंग करनी है, इसमें एडिटिंग करनी है तो इसको सेलेक्ट करो, ओके करो आप, ठीक है, सॉरी इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, क्या एडिटिंग करनी है, वैल्यू यहाँ पे कृष्णा एंटरप्राइज है वो चेंज कर लो आप, ठीक है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। इसमें क्या चेंज करनी है, इसका आयरन मटेरियल है वो चेंज कर लो आप, ठीक है, जो भी एडिटिंग करनी है, टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह हाइट वगैरह चेंज करना है वो डाल सकते चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, प्रॉपर्टी लेयर वगैरह अगर आपने अप्लाई कर रखा तो लेयर लेयर भी आप चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप एट्रीब्यूट को एडिट भी कर सकते हो। तो ये था फ्रेंड्स हमारे एट्रीब्यूट कमांड के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मेरा भी थोड़ा भला हो जाए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।